गवर्नमेंट चेंज होने की जो वजूहात हैं उसमें जो हमारे स्पेशली जो इलेक्टेबल्स हैं ये हमारे हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आई है उसको ये ब्लैकमेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैकमेल करते आए हैं। और जो आर्टिकल 63A है उसके ऊपर अगर स्ट्रिक्टली अमल पैदा हुआ जाए तो आइंदा से इस चीज़ का रास्ता रुक सकता है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या जो भी MNAs, MPAs जो किसी भी टिकट पे पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आते हैं ताकि वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ अपने मफादात के लिए तब्दील ना कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अली नूर। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम आबाब मेरी तरह बमायल खाना बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम पहुँचे हैं हाई कोर्ट में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद काशिफ रियाज सत्ती साहब, जो कि इंतहाई मशहूर मारूफ वकील हैं और एक नामवर वकला में से सर फहरिस्त आते हैं। और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और ये हमारे साथ गुफ्तगू शनीद करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर। जी सर, अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो हुकूमत तब्दील हुई है आपको क्या लगता है उसके अंदर साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है या फिर कोई उनसे खुद गफलत हुई है या हमारे इदारों से गफलत हुई है? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में इसमें ये जो आजकल बड़ा हॉट इशू ये चल रहा है कि एक मरासले को लेकर के भी आया, इसकी वजह से गवर्नमेंट चेंज हुई या कोई और वजूहत बनी, तो जो मरासले वाला इशू था ये अब दो दफ़ा जो है ये कौमी सलामती कमेटी में जा चुका है, पहले भी गया और उसमें भी जो उसकी फाइंडिंग्स आई कि भी इसमें जो है ना जो नाजेबा और गैर अखलाकी जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसके खिलाफ डिमार्च जो है ना वो एक टेक्निकल लफ्ज़ है कि वो जो है ना दिया जाए, यानी कि सख्त एहतजाज किया जाए। और उसके बाद जब दोबारा से गवर्नमेंट चेंज हुई दोबारा से भी इस पे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और आलमोस्ट तकरीबन वही फाइंडिंग्स जो है ना दी गई और उसमें भी जो अलामिया जो जारी हुआ कि उसमें के मुदाखलत का जिक्र किया गया लेकिन साजिश के उसको जो है ना इग्नोर किया गया। दूसरा जो चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होने की जो वजूहात हैं उसमें जो हमारे स्पेशली जो इलेक्टेबल्स हैं ये हमारे हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आई है उसको ये ब्लैकमेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैकमेल करते आए हैं। और जो आर्टिकल 63A है उसके ऊपर अगर स्ट्रिक्टली अमल पैदा हुआ जाए तो आइंदा से इस चीज़ का रास्ता रुक सकता है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है या जो भी MNAs, MPAs जो किसी भी टिकट पे पार्टी के टिकट पे मुंतखब होके आते हैं ताकि वो अपनी सियासी वाबस्तगियाँ अपने मफादात के लिए तब्दील ना कर सकें। और मेन जो वजह जो गवर्नमेंट चेंज होने की बनी जो मेरी नज़र में कि वो ये मफादात थे। सर फिर इसमें जो कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी सर वो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, आर्टिकल 6 के तहत जो उन्होंने रूलिंग दी थी और उन्होंने फिर उसे कहा था कि ये जो है तरीके अदम एतमाद का मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा इल्म रखते हैं कानून के हवाले से, इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। उस हवाले से तो जो है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है कि भी वो इलीगल थी, अब उस पर हम अगर मज़ीद कोई बहस करेंगे तो वो जो है ना कोर्ट के उस वर्डिक्ट के हवाले से हम इसको जो है ना फर्दर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो कोर्ट में बड़ा एलैबोरेटली डिस्कस हो चुका है और कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया हुआ, लहजा इस पर जो है ना मज़ीद जो है ना इजहार वो आप ये कह लें कि मुनासिब नहीं। अच्छा सर, ये जो कहते हैं कि पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है उसके अंदर कोर्ट अमल दखल नहीं कर सकती, लेकिन सर यहाँ पे तो आपको वाजह तौर पे होता हुआ नज़र आया है और उन्होंने मतलब कि बाकायदा रात 12 बजे अदालतें भी खोल दी और इस पेश नज़र के अगर कुछ होता है मुमकिन तौर पे अगर कोई इमरान खान जो है गलत एकदम इकदाम उठाते हैं तो मतलब कि हम लोग पहले से ही मतलब कि रेडी रहे ताकि हम उनको पकड़ लें वहाँ पर मौके पर ही, मतलब उन्हें रोक दिया जाए। बेसिकली जो है ना पार्लियामेंट की कार्रवाई में एस एच कोर्ट अमल जो है ना अमल दखल नहीं कर सकती, दखल नहीं दे सकती, लेकिन बात यह है कि कुछ सिनेरियोज ऐसे जो कि पास्ट में भी हमारे गुजरे हैं कि जिसमें कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा
उसमें जो एक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट एक पहले जब बहाल हुई थी और एक दफ़ा स्पीकर सेनेट चेयरमैन सेनेट की रूलिंग को मुस्तरद किया गया था, वो कोर्ट ने ही किया था। तो ये है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है अगर वो ये समझे कि ये काम गैर आइनी हुआ है। और अगर कोर्ट्स का जो वक्त से पहले खुल जाना कि उसमें ये है कि कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका था उस पे अमल दरामद कराने के लिए, क्योंकि बेसिकली वो आईने पाकिस्तान के हवाले से जो एक वर्डिक्ट था कि भी उन्होंने रूलिंग को सेटिसाइड किया था डिप्टी स्पीकर की, तो उस पे अमल दरामद के लिए कि अगर वो रात को अगर वो खुल गई कि भी लेट्स सपोज कि टाइम चेंज हो रहा था और अगर वो नहीं होता कि मज़ीद किसी आईनी बहरान में जाने से पहले कि उसको हम जो है ना उसका सदेबाब किया जा सके, इस हवाले से अगर कोर्ट्स ने अपना इनिशिएट लिया तो मेरे ख्याल से कि ठीक था। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि ये जो मुदाखलत हुई साजिश हुई आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा जो लोग जो थे यानी कि अब उधर चले गए दूसरी तरफ चले गए अपोजिशन के साथ मिल गए, तो सर इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसी कुव्वत थी ऐसी पावर थी जो उन्हें रोक सकती थी और उन्हें कहती कि भाई आप जो है राय हक कोई इख्तियार कर और वहीं पर रहें? देखें, बात यह है कि अगर हम आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आप या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हमारा बीइंग ए लॉयल कम्युनिटी हमारा शुरू से ही ये मुतालबा रहा है कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रह कर काम करें। आपको अगर याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब वकला जो मुहिम चली थी वो इसी चीज़ पे थी कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में रह कर काम करे। तो मैं ये नहीं समझता कि भी कोई भी इदारा किसी भी उस पर प्रेशराइज करके उसको किसी एक साइड पे रहने के लिए कहा जाए। हम तो ये दुआ करते हैं कि तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रहकर काम करें ताकि हमारे मुल्क में जमहूरियत फले बढ़े, ताकि अवाम को भी पता चले कि उन्होंने अपना वोट का हक कैसे इस्तेमाल करना है और किसको इलेक्ट करना है। सर, आपको लगता है कि वो फिर यहाँ पर भी न्यूट्रल रहे हैं, मतलब कि उन्होंने फिर यानी कि अभी जो है दखल अंदाजी नहीं दी हुकूमत के मामलों में और वो कहते हैं कि अब हम न्यूट्रल हो गए, तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है कि बादल नज़र में तो नज़र आया है, लेकिन अब जो है ना आगे क्या होता है वो अब वक्त ही बताएगा। अच्छा सर, अभी इमरान खान कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि अम्पायर न्यूट्रल्स लेके आए, अम्पायर जो है वो न्यूट्रल हों और तमाम तर मामला इसी तरह से देखे जाए, कोई भी मतलब किसी की साइड ना ले ली जाए, किसी की फेवर ना ली जाए। तो अभी इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हुए हैं, तो अब इमरान खान कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है और मतलब कि आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने बात की अमर बिल मारूफ की, तो सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो वो न्यूट्रल अंपायर की बात करते थे, तो अब सर वो कहते हैं कि आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरी साइड पे होना चाहिए लोगों को? देखें, अब ये हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो है ना अब वो अगर किसी न्यूट्रल को कोई भी जानवर कह दें कोई भी कह दें तो वो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको हम अगर इन ब्रॉडर सेंस या मुल्की उस लेवल पे लेके जाएंगे तो मैं ये नहीं समझता कि भी अगर आपके जो क्वेश्चन है कि भी अगर वो चाह रहे हैं कि जी मेरी तरफ रहें, तो हम तो यही चाहते हैं कि बीइंग ए लॉयल कम्युनिटी कि वो किसी की तरफ भी ना हो, अवाम को अपना फैसला खुद करने दें। अवाम अगर पीटीआई को वोट देना चाहती है तो उसको कोई ना रोकने वाला हो, अवाम अगर किसी भी सियासी पार्टी को वोट देना चाहती है तो उसको कोई भी रोकने वाला ना हो, प्रेशराइज करने वाला ना हो। अच्छा सर, उन्होंने कहा हम लोग न्यूट्रल हो गए हैं, सारे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यानी कि सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन सर फिर जब यानी कि अभी जो हुआ एक डेमोक्रेटिक एक्ट था ना, मतलब 172 वोट उनके पूरे हो गए तो उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो सर फिर उन्होंने उन्हें क्या ज़रूरत थी आके वो पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? फिर जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको तो सारा पीडीएम ने कैश किया है, और मतलब कि पीडीएम उसको ले कर चली है और वो उनके हक में गई हैं, तमाम तर बातें उनके मफादात में थी वो, तो फिर सर न्यूट्रल रहते तो फिर आते ही ना इस बात पर, उन्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आते और आके इतना एक्सप्लेन करते और वो पीडीएम की तरफ सारी बातें जाती और वो उससे फ़ायदा उठाते और आज वही जो है अवाम के आगे सच्चे बन रहे हैं? असल में जो ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन वजह जो बनी थी, उसमें वजह ये बनी थी कि एक मुनज़्ज़म कम्पेन लॉन्च हो गई थी जो कि दादों के खिलाफ हैशटैग्स बनाए जा रहे थे और उसको बड़ा पॉपुलरिटी मिल रही थी। तो बेसिकली ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें तो वो बेसिकली उस चीज़ को रिफ्यूट करने के लिए आए थे कि भाई ASH इदारों का इसमें कोई किरदार नहीं है, और उसको अगर आप ये कहते हैं कि दोनों फरीकेन ने अपने अपने लिहाज से कैश करने की कोशिश की है, वो उसमें अगर आप दोनों साइड्स के व्यूज़ देखेंगे तो दोनों ने उनको कहा कि भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये हमारे फेवर में थी। सर अभी इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे,
और वो चाहते हैं कि फिल फॉर जो है इलेक्शंस होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सर इलेक्शंस होने चाहिए या अभी जो है हुकूमत को जो है अपना यानी कि तकमील करनी चाहिए और वक्त पे हों इलेक्शंस? बेसिकली जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का जो प्लान है कि एजाज हर पाकिस्तानी का आइनी हक है और उसको मिलना भी चाहिए, लॉन्ग मार्च का फैसला अगर इमरान खान साहब ने अभी तो सिर्फ कॉल दी है, अगर वो जब डेट अनाउंस करते हैं तो फिर देखेंगे कि उसका वो लाहेमल क्या देते हैं। बाकी जो इलेक्शंस की बात है कि इलेक्शंस बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है तरीके अदम-ए-एतमाद की सूरत में जब चेंज हुई है तो मेरे मुताबिक तो जो है कि भी इनको जल्द अज़ जल्द कंसेंसस करके नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि मज़ाए कि मज़ीद मुल्क में कोई नाराज़गी फैले बढ़े। लेट्स सपोज कि अगर खान साहब भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे के वो इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं तो एक मुल्क में खाम खा की एक नाराज़गी फैलने का ख़दशा है, तो उससे बचने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अगर पार्लियामेंट में कंसेंसस करके तो नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। तो सर आपको नहीं लगता कि ऐसे तो फिर मतलब जब भी जो भी हुकूमत आएगी वो कहेंगे जी हम तो कहते हैं लॉन्ग मार्च करते हैं और जो है इलेक्शन को तब्दील यानी हुकूमत को तब्दील कराओ और दोबारा इलेक्शन करवाओ, ये तो फिर सर रीत चलती नहीं रहेगी अगर अभी हम लोगों ने हुकूमत को वक्त ना दिया कि भाई वो अपना टाइम पूरा करे? आइनी तरीके से आई है ना, डेमोक्रेटिक तरीके से आई है। देखें असल में बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान के पास्ट में देखें तो ये जो धरने का या उस तरह का प्रोटेस्ट का कल्चर है वो बेसिकली तो पीटीआई ने ही मुतारफ करवाया है। और लेकिन सर पीटीआई कहाँ, उससे पहले कितने अरसे से होता आ रहा है, फिर आप देखें नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया 2008 में, पीपल्स पार्टी, ये तो सर रोज़मर्रा की बात है। आप सिर्फ पीटीआई को कह रहे हैं, मतलब ये तो सब ने करते आ रहे हैं ना कोई, ये तो जिसका दिल करता है वो बाहर आ जाते हैं सर। बेसिकली जो लॉन्ग मार्च जो पहले हुआ था वो वकला भाली के, वो जजेस भाली के लिए हुआ था, उसमें किसी का कोई पर्सनल काज या कोई पर्सनल वो नहीं था शामिल। और जो स्पेशली बात यह है कि जो आपने ये बात की कि जो धरना था पहले भी 126 दिन चला, लेकिन गवर्नमेंट जिसने अपना काम करना था उसने किया। बात यह है कि गवर्नमेंट्स को काम करते रहने देना चाहिए। आप ये देख लें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी दो धरने स्टार्ट हुए और वो टीएलपी ने दिए, बाकी किसी सियासी जमात ने नहीं दिया, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट ने अपने तरीके से उन साथ आईनी हाथों से निपटा। तो बात यह है कि वो तब क्या नहीं थे, पीडीएम ने भी तो मार्च किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, लेकिन वो उनके कामयाब नहीं हुए उस तरह से, मतलब कि मंजरे आम पे वो ला ही नहीं सके, मतलब उनके पे इतनी तादाद ही नहीं आई लोगों की कि वो उसको इतना यानी कि हाईलाइट कर पाते। बाकी उन्होंने कोशिशें तो की हैं, ये तो आपको पता ही है सर। मैं यही कह रहा हूँ ना कि कोशिश वो इस दौरे हुकूमत में जो एक लॉन्ग मार्च बिलावल साहब लेके निकले थे वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग मार्च जो फजलुर रहमान साहब लेके निकले थे वो भी उन्होंने वहाँ पे पहुँच के दो दिन सिट इन करके बस कर दिया। जो कह सकते हैं उनके साथ अवाम निकली नहीं, मतलब कि वो जो इनकलाब की सोच लेके निकले थे तो मतलब उस कदर अवाम यानी कि आई नहीं साथ कि वो फिर कोई अगला मतलब कि बड़ा स्टेप लेते। ये तो जो है ना बेसिकली अवाम का जो है ना निकलना वो एक अलग इशू है, लेकिन ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो उनका जो लॉन्ग मार्च की काल थी वो आई थिंक सो के वैसे ही वो तरीके अदम-ए-एतमाद जब पेश हो गई थी तो वो उसको उसकी ज़रूरत ना दी, ये जो है ना मेरे नज़र में तो ये उसका है। अच्छा सर अभी इमरान खान कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि वो यानी कि जानबदार है, और सर उसका जो यानी कि जो उसकी जो स्टेटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में वो सर मुतासर किया उसने फैसले को, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया था उसमें बकायदा उन्होंने वो तमाम खतूत भी साथ एनेक्स किए थे, जिसमें उन्होंने ये बारहा गवर्नमेंट को ये कहा, बावर करवाया कि जी नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, जो बेसिकली फाटा का इंतज़ाम जब हो चुका है तो उसके तहत केपीके में सूबाई सीटों का इजाफा होना है, तो वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लेने थे नई हल्का बंदियों के हवाले से। तो वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आइनी तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बाधा बाबवाद भी करवाया, तो इसमें उनकी जानबदारी नहीं है। अच्छा सर ये पहले मतलब इसी इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इमरान खान बड़ी तारीफ़ें किया करते थे और कहते थे ये बड़ा काबिल इंसान है, और अब सर उसके अगेंस्ट हो गए हैं, तो मतलब इन्हें ये तो नहीं है कि भाई जो चीज़ इनके थोड़ा सा अगेंस्ट जाती है फेवर में नहीं होती है उस चीज़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं? देखें ये तो जो है ना अगर हम खान साहब की वैसे अगर वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो जिस शख्स से खुश होते हैं तो उससे खुश होते हैं, लेकिन जब उससे नाराज़ हो जाते हैं तो फिर
उसके साथ सख्त नाराजगी का इजहार भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो मतलब कि अगर उनके फेवर में हो तो फिर खुश होते हैं, अदरवाइज वो खुश नहीं होते। इसका ऐसे ही है ना कि जब देखें कि पनामा बेंच में भी यही जज साहिबान ऑलमोस्ट शामिल थे, तो जिन्होंने नवाज शरीफ को नाहल किया था तब ये जज साहिबान ठीक थे, ये अदालती फैसले बिल्कुल ठीक। लेकिन सर खान साहब ने तो कहे कि मैं अदालतों का पूरा पूरा जो है एहतराम करते हैं, और उन्होंने कोई अदालतों के खिलाफ बात नहीं की। वैसे उन्होंने तो कहे कि मैं मायूस हुआ हूँ, और वो तो हर एक का हक है ना, वो बंदा कही है मुझे फैसले से थोड़ी मायूसी हुई है, लेकिन उन्होंने उस फैसले को सराहा है और उन्होंने अपनाया है। देखें बात यह है कि अपनाना, और जो कराची जलसे में भी उन्होंने बारहा इस बात का जिक्र भी किया था कि भी अदालतों ने जो है ना वो सही रोल प्ले नहीं किया। और बात ये है कि अदालती फैसले को मानना, मनोवन मानना के बजाय उस पर फिर हैशटैग्स भी बन जाना, और जो है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से अदलिया को जो है ना बुरा भला भी कहना, तो ये फिर अगर फैसला मानने वाली बात है तो फिर इस तरह ये कैंपेन्स क्यों चलाई गई। दूसरी बात यह है कि यही बेंच आलमोस्ट शामिल थे जब बनीगाला रेगुलराइज हुआ, यही बेंच में आलमोस्ट जज साहिबान शामिल थे जब इनको सादिक मीन डिक्लेयर किया गया, तब ये जज साहिबान ठीक थे। तो ये जो मामलात हैं ना कि इस तरह से कि हम अगर अपनी पसंद का पिक एंड चूज़ करेंगे तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ख्वाह कोई भी वो करे। कभी अगर अपनी मर्ज़ी का फैसला आ जाए या अपनी मर्ज़ी का काम हो जाए तो सब ठीक है, और अगर उसके अगेंस्ट हो जाए तो वो सब ख़राब हैं या सब मिले हुए हैं, तो ये गलत रीत है। जी सर, आप अभी कैसे देख रहे हैं, मतलब कि 13 जमातें मिलकर हुकूमत चला रही हैं और एक दूसरे की टांग खींच रही हैं, बंदरबांट जारी है, आपको क्या लगता है सर ये हुकूमत चल पाएगी और पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर इकदाम उठा पाएगी? देखें कि अगर इस टाइम वक्ती तौर पर देखा जाए तो पहले भी जैसे आपको कहा कि अपने अपने मुफादात के लिए ये इस कुलियन पार्ट इस पार्टीज़ जो है ना ये शामिल हुई हैं इस गवर्नमेंट में, तो ऑब्वियसली तो सबसे पहले तो वो अपना मुफाद देखेंगे। अगर तो उनके मुफादात चलते रहे तो ये गवर्नमेंट चलती रहेगी, अगर मुफादात में कहीं पे भी अगर कोई उनको लगेगा कि भाई हमारे जो मुफाद पूरे नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली फिर ये गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब होगी और बाकी के मामला भी इसके साथ डिस्टर्ब होंगे। ठीक है सर, फिर पाकिस्तान के मुफाद में क्या है, फौरी इलेक्शन या फिर चलने दिया जाए? लास्ट जुमला से देखें कि पाकिस्तान के मुफाद में तो हम तो ये चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। ठीक है सर, आप हमारे नाज़रीन को आखिरी क्या चंद अल्फाज कहना चाहेंगे सर? कि मेरी तमाम पाकिस्तानियों से एक अपील है कि सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह पर, लेकिन इसको अपनी अना का मसला ना बनाएं, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की वहदत और इसकी बका के लिए दुआ किया करें। बाकी सियासी वाबस्तगियाँ हर बंदे की होती हैं, लेकिन उसको इस हद तक ना लेके जाएं कि आप किसी के साथ उलझ पड़ें, किसी के साथ अपनी अना का मसला बना लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हम आपके बहुत मशहूर हैं। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।